नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के अमेठी से है, जहां सेना में तैनात जवान के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारों ने परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट किया गया। गंभीर हालत में सेना के जवान के पिता को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सुकुलपुर गांव का है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर भारतीय सेना में तैनात जवान के पिता राजीव मिश्रा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या के बाद जवान के परिवार में मौजूद महिलाओं को भी मारपीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने बताया कि जमीन विवाद के चलते राजेंद्र मिश्रा की मंगलवार शाम को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग के पुत्र सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने घर में घुसकर पिता की हत्या कर दी और उनकी घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट किया। सूर्य प्रकाश मिश्रा जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राजेंद्र मिश्रा अपने घर की तराई करा रहे थे। इस दौरान कहा सुनी होने पर पड़ोसियों ने उन पर हमला बोला और उनकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम लगाई गई है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर आलोक तिवारी ने बताया कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही राजेंद्र मिश्रा की मौत हो चुकी थी। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा, मैं इंडियन आर्मी में तैनात हूँ और मैं पुंछ में हूँ। समस्या आज हम घर पे नहीं थे, हमारे पिताजी को मार दिए हमारे पड़ोसियों ने, घर में घुस के धारदार हथियार दीवार के लटा दिए और महिलाओं को भी मारा। हमारे घर में कोई था नहीं सर, विवाद ही था कि हमारा दीवार प्लास्टर हो रही थी, उसके बीच में कोई था नहीं। उसी बीच हमारे पड़ोसी 6-7 लोग थे, अशोक कुमार, वागीश कुमार, चंद्रमान, गौरव, सत्यम। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने इसके पहले भी काफी बार विवाद हुआ, पुलिस को पहुंच दिया गया, लिए नहीं, कोई सूचना नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं साहब। आज फिर एक बैग हमारे घर के ऊपर चढ़ के हमारे छत पे हमारे घर में घुस के, हमारे घर में कोई नहीं था इसलिए हमारे पिताजी को मार दिए। अभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैं खुद एक देश में सेवा करता हूँ, मैं खुद एक देश का जवान हूँ, मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता तो मैं देश के लिए क्या करूँगा। मुझे यार बहुत शर्म महसूस हो रही है इस चीज के लिए कि मैं पूरे देश की रक्षा करने वाले मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए हमें प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़े जाए तुरंत 6 के 6 लोग। जी, ये मिस्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हैं, ठेंगहा सुगुलपुर के निवासी, और मारपीट में शायद घायल हो गए थे और यहाँ पे ब्रॉड डेड लाए गए। तो जब यहाँ आए तो उनकी सांसें नहीं चल रही? नहीं, ब्रॉड डेड थे, मृत अवस्था में लाए गए। गांव है संग्रामपुर थाना क्षेत्र में, उसी में राजेंद्र मिश्रा जी हैं। ये अपने घर की दीवार पे तिराई कर रहे थे प्लास्टर करने के लिए, उसी में इनके बगल के घर के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा उन पर हमला किया गया और उनको गंभीर चोटें आई, और चोटों के सीक्वेंस में ही वो जैसे ही CHC यहाँ अमेठी में आए तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकरण का संज्ञान लेकर सभी हम लोग मौके पर आए हैं और इसमें अभी घटनास्थल भी मेरे द्वारा जाकर निरीक्षण किया जाएगा और FSL को भी बुलाया गया है। तहरीर मिलते ही हम लोग इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेंगे।